नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चूप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा की अब तक की सबसे बड़ी खबर बता दें आपको कि ताजनगरी आगरा में देखिए किस प्रकार एक साथ पांच लोगों की मौत का सा मामला सामने आया है। आगरा से यह बड़ी खबर बताई जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार पांच लोगों की इलाज के दौरान वहीं कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक सवारी की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया है कि मरने वालों में दो महिला और दो पुरुषों के साथ लगभग एक 13 साल का बच्चा भी शामिल है और घटना के बाद दिल्ली नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और ये लाइव तस्वीरें देखिए, घटना स्थल घटना गुरुद्वारा गुरु के ताल के सामने की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑटो भगवान टाकी तरफ से सिकंदरा की तरफ जा रहा था। यहाँ गुरुद्वारा गुरु के ताल पर कट है, वहीं पहुंचा था कि पीछे से ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। इसमें दो ट्रकों के बीच ऑटो बुरी तरह फंस गया। अंदर बैठी सवारियां देखिए फंस गईं और इसी घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सवारियों के शवों को टुकड़े हो गए और पुलिस ने मौके पर पहुंच को सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत सभी को जहां बचाने का प्रयास किया गया है, वहीं मृतकों को देखिए किस प्रकार पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महलगा मोहन का सेंट्रल स्कूल की टीचर है, वह स्कूल से पढ़ाकर घर लौट रही थी। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये आगरा की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देखिए किस प्रकार एक साथ पांच लोगों की मौत का मामला सामने आया है और जानिए क्या बोले हैं पुलिस अधिकारी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जानिए क्या बोले हैं प्रत्यक्षदर्शी। ये NH-19 पर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें कि एक ऑटो में बैठे हुए जो सवारियां थे उसमें से पांच लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और एक व्यक्ति का गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। इस पर यहां पर पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई हम यहां पर कर रहे हैं। ट्रैफिक वगैरह को नियमित किया गया है और घटना के कारणों को भी इसमें दिखाया जा रहा है कि क्या मामला है और कैसे थी और कितना गंभीर हादसा यहाँ पर हुआ है और इसमें जो भी सुधारात्मक उपाय होंगे इसमें किए जाएंगे और किसी की अगर गलती पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई के माध्यम से जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। गाड़ी साइड से थी तो मैंने देखा टेम्पो वाला साइड ले, इधर साइड ही आ रहे थे वो, तो पीछे से ट्रक वाला आ रहा था तो एक्टिवा वाले को मुझे नहीं पता नहीं है, तो ट्रक वाला साइड था, पीछे से ट्रक ने पीछे से मारा उनको, वो दोनों के बीच में आ गए गलती पर। हाँ, दो ट्रकों के बीच में टेम्पो आ गया, वो स्लो था, ये नहीं पता। साइड में लेडीज को देखा था, शायद हल्की सी उनमें जान चल रही थी जब मैंने गाड़ी रोकी थी, फिर मुझे नहीं पता भैया क्या हुआ। मैं साइड में गाड़ी आगे बढ़ाया तब तक तो फिर हाँ स्कूटी साइड में थी, वो बेचारे घायल थे साइड में, शायद इन्हीं के बचाने के चक्कर में, आगे वाला ट्रक था उनको बचाने के चक्कर में वो उन्होंने साइड लिया हो कैसा लिया हो, तो वो साइड में बच गए, बाकी टेम्पो वाले का तो फिर पता ही नहीं मुझे फिर। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सिविल न्यूज।